बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव आज महोबा पहुंचे, जहां पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आगामी 2022 के चुनाव में समाज के प्रत्येक तबके को साधने के लिए सभी दल जमीनी स्तर पर जुटे हैं, तो वहीं सपा भी अलग अलग कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर हर तबके को सपा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद यासीन आज महोबा पहुंचे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी भाजपा पर जमकर बरसे और कहा कि इस सरकार में महंगाई चरम पर है। बीजेपी ने जो वादे आम लोगों से किए वह आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा बंगाल में खेल हुआ है वैसा ही खेल अब 2022 में अखिलेश यादव खेलेंगे और बीजेपी का सफाया कर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 351 सीट लाने का दावा ही अल्पसंख्यक मोर्चा के दोनों नेताओं ने किया है। यही नहीं, चाचा शिवपाल यादव का सपा के साथ आने की भी बात कही है। बीजेपी आए दिन रैली कर रही है लेकिन इसका फायदा नहीं मिलने वाला। जनता जान चुकी है कि इनके द्वारा किए गए सभी वादे झूठे हैं। अब बीजेपी का सफाया होना तय है। उन्होंने अल्पसंख्यकों से अपील की है कि सभी अल्पसंख्यक एकजुट होकर अखिलेश सरकार को 2022 के चुनाव में जिताने का काम करें। इस वक्त 2022 का इलेक्शन है और हमारा मजहबी तौर पर जो भी दौरा होता ही रहता है, कुछ सियासी भी हो जाता है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक हूँ, तो आज महोबा आने का मकसद ये था कि यहाँ आके अपने भाइयों के बीच में महोबा के हिंदू मुसलमान के दरमियान मोहब्बत का पैगाम, अमन और भाईचारा का पैगाम देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि इस वक्त महंगाई से पूरा मुल्क परेशान है, बहुत ज़्यादा जो है तो दुखी है और इस दुखद की घड़ी में हमें और आपको चाहिए कि एक अच्छी सरकार लाई जाए, जिस सरकार के लिए इस वक्त प्रदेश में पूरे प्रदेशवासियों ने मन बना के बैठी है कि बस अब अखिलेश जी ही, जिन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है कि उनके काम की सराहना दुश्मन भी उनके मुखालिफ भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रदेश में ला के मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि प्रदेश का देश का भला हो सके और एक मर्तबा बेरोज़गारी और खुशहाली में बदल सके। देखिए, महोबा पहला दौरा है और जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ यहाँ पर एक बदलाव की लहर दौड़ रही है। हर इंसान, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। हर इंसान जो है इस भ्रष्टाप्रस्त ताकतों को, भ्रष्टाचारी और फिरकाप्रस्त ताकतों को खदेड़ना चाहते हैं, सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो अच्छा दौरा रहा और काफ़ी उत्साह है इसमें और बहुत अच्छा है और ये आगाज़ है इसका कि 2022 में समाजवादी सरकार आ रही है। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. Moon City Escapes Builders प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक residential, commercial, JDA approved project Space Moon City. Gated complex, high-tech security और 100% power backup के साथ premium apartment और independent villas, shopping mall और multiplex. Space Moon City 25 एकड़ में विस्तृत है। Perfect, luxurious and beautiful life के लिए प्रस्तुत है Space Moon City.